भी हमको पर्सनली जानता है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं क्रिमिनल हूं। अभी उत्पल बास्के को फिर से गिरफ्तार कर लिया और यह आरोप लगाया कि उत्पल बास्के झारखंड एवेन के साथी हैं और झारखंड एवेन को प्रतिबंधित कर दिया है। झारखंड एवेन को प्रतिबंधित करने के लिए कोलिन है यहाँ और दूसरे वकील हैं, वो बताएंगे कि लोगों को मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रतिबंधित करने के लिए जो जुडिशियल प्रोसेस चलना चाहिए कब चला झारखंड एवेन के लिए हमको नहीं पता है। झारखंड एवेन का रिश्ता माओवादियों के साथ है कि नहीं ये किसी को नहीं पता है। झारखंड एवेन का नाम सिर्फ जीतन मरांडी के नाम से हम लोग जानते थे। जीतन मरांडी चूंकि बहुत अच्छे कलाकार थे और रांची में कई बार परफॉर्म किया था उन्होंने, उनके सीडी और कैसेट्स हैं, इसलिए हम जानते थे कि झारखंड एवेन एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। सरकार ने बिना किसी घोषणा के बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस के इसको बैन कर दिया और बैन करने के बाद उत्पल बास्के को उसका सदस्य बना करके उनको गिरफ्तार कर लिया है। आश्चर्य तो ये है कि अभी बीच में रांची के एसएसपी ने दो सर्कुलर जारी किए, एक सर्कुलर जिनमें मेरा केन पंडित जी का, फादर स्टैन का, इन सब का नाम है कि इनके यहाँ माओवादी आते हैं। कुछ और लोगों के नाम थे जो काफी चिल्लाए उलाए, हम लोग चिल्लाए नहीं, तो हुआ ये कि भाई माओवादी आते हैं। मुझसे भी प्रेस वालों ने पूछा कि आपके यहाँ माओवादी आते हैं, यह आरोप है पुलिस का। हमने कहा हो सकता है आते होंगे, किसी के माथे पर कुछ लिखा नहीं है और हम उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को उनको गिरफ्तार करने के लिए रोक भी नहीं रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ ये है कि गिरफ्तारी के जो विहित प्रावधान है, आप चाहे माओवादी को पकड़े या किसी आदिवासी को पकड़े या किसी क्रिमिनल को पकड़े, आप विहित प्रावधान का पालन करें, हमारी मांग इतनी है। बाकी जो पुलिस में वांटेड है, पुलिस के लिए वांटेड है, तो आप शालीन तरीके से उनकी गिरफ्तारी करें, जो विहित प्रावधान है उनका करते हुए हमको मना नहीं है। दूसरा जो सर्कुलर इन्होंने जारी किया, दूसरा सर्कुलर जारी किया कि ये एक मिनट, दूसरा सर्कुलर इन्होंने जारी किया कि कुछ लोग हमारे जैसे कुछ लोग जो एक पैक पांडिंग यहाँ लातेहार और सरंडा हम लोग लेके गए थे, उसके बारे में उन्होंने सर्कुलर जारी किया कि ये माओवादियों का ग्रुप है, जिसमें विनायक सेन को, एलिना सेन को माओवादी बताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजर बलराम को माओवादी बताया, जिसमें फादर स्टैन को माओवादी बताया, जिसमें पार्थो राय चौधरी जो कलकत्ते के साइंटिस्ट हैं उनको माओवादी बताया, और एसएसपी ने साफ मुकर के कहा कि नहीं साहब ऐसा हम नहीं किए हैं, ये आपको कोई बरगला रहा है, दूसरे दिन अखबार में आ गया। ये पूरी की पूरी कंस्पिरेसी है कि ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को बदनाम करें, जो विस्थापन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनको बदनाम करें, जो दूसरे नेशनलिटी मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी माओवादी बताएं। हमको इस बात से कतई एतराज नहीं है कि माओवादी संविधान के खिलाफ खड़े हैं, वो मानते भी हैं, उन्होंने कहा भी कि हम इस संविधान के खिलाफ खड़े हैं, इस स्टेट सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं, उनके खिलाफ पुलिस खड़ी होगी और ये लड़ाई सनातन चलेगी, इससे कहीं कोई एतराज नहीं है, हम इसमें कहीं नहीं है। लेकिन जहां डेमोक्रेटिक राइट्स का उल्लंघन हो रहा है वहां हमको माओवादी बता करके आप पकड़ने की कोई साजिश जो कर रहे हैं, हमारा एतराज इसके खिलाफ है। मित्रों बार बार ये आग्रह है, समय कम है, ये आग्रह है कि जितना वकीलों की बड़ी संख्या है, आपसे आग्रह है कि हिंदुस्तानी संविधान जितना डेमोक्रेटिक स्पेस हमको प्रोवाइड करता है, जितना प्रजातांत्रिक जगह हमारे लिए उपलब्ध कराता है, जिसमें हम मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम राजनीतिक समझदारी पैदा कर सकते हैं अपने लिए, जिसमें हम जुलूस धरना प्रदर्शन निकाल सकते हैं, जिसमें हम सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हमको गवर्नर हाउस के सामने जाके इनकलाब जिंदाबाद करने का अधिकार है, अगर आप ये हमको नहीं दीजिएगा तो समाज का एक बड़ा हिस्सा वायलेंट होगा और फिर तक पुलिस ब्रुटेलिटी उसको दबा नहीं पाएगी। इसलिए पुलिस को, स्टेट को, हम सारे लोगों को समझना चाहिए कि संविधान ने जितना डेमोक्रेटिक स्पेस दिया है पहले वो देखें। और ये माओवादी भी बार बार कहते रहे हैं, हम भी कहते रहे हैं, गांव की जनता जो माओवादी के साथ जुट रही है, भाई इतना स्पेस तो हम दीजिए कि जनता तय करे रेफरेंडम के स्तर पर आके कि भाई हम इनके स्टेटस इनके सिस्टम में जाना चाहते हैं कि हम आपके सिस्टम में जाना चाहते हैं, ये हमारा राइट टू डिटर्मिनेशन है, आत्मनिर्णय का अधिकार है। थैंक यू। गोपीनाथ से करूंगा। आज के इस कार्यशाला में उपस्थित मंच में बैठे तमाम
मेरे साथी और इस सभागार में उपस्थित तमाम मेरे मित्रों को जोहार। हम लोग जिस सवाल को लेकर पंडित जी ने अपने विचार को रखे, ठाकुर जी ने रखे, उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं जो सब रखना चाहूंगा आपके समक्ष। जिस कॉन्फ्लिक्ट जोन में हम लोग हैं और जिस झारखंड में पुलिस ब्रोटलिटी के बारे में हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उस झारखंड के संदर्भ में थोड़ा बात हम आपके बीच में रखना चाहेंगे, क्योंकि काफी सभा में उपस्थित ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं और वकालती करते हैं। झारखंड निर्माण के जो आंदोलन हम लोगों ने चलाए 90 के दशक में, हम लोग उस समय स्टूडेंट थे, स्टूडेंट मूवमेंट में थे, लेकिन उस समय झारखंड नहीं बना। कुछ दूर जाने के बाद लगा कि झारखंड अब बनने का जो संघर्ष चल रहा था वो एक प्रकार का विराम लग गया, लेकिन अचानक 2000 में झारखंड का निर्माण होता है। और झारखंड निर्माण का सबसे बड़ा बात है कि ये आदिवासियों के लिए एक राज्य बना है, और झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में भी एक दूसरे राज्य के मुकाबला में ये थोड़ा अलग है, भिन्न है। यहाँ पर दो तरह का क्षेत्र है, पांचवी अनुसूची क्षेत्र है जिसमें करीब 19 जिला है और कुछ जिला में पांचवी अनुसूची क्षेत्र नहीं, तो भौगोलिक क्षेत्र के रूप में भी ये थोड़ा अलग है। झारखंड के संदर्भ में हम लोग पंडित जी ने जो आंकड़ा दिया है हम उसको थोड़ा से और एलाबोरेट करना चाहेंगे और विस्तार से जानना चाहिए। 1900 में जब झारखंड को हम देखेंगे तो केवल 13 छोटा छोटा कस्बा झारखंड में था, रांची भी बड़ा शहर में नहीं गिनाता था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन तब नहीं हुआ था। उस समय जो पोजीशन था झारखंड का, उस समय 60-65% से ज्यादा जंगल लिया था और आदिवासी भी 65% से ज्यादा झारखंड में था, और वर्तमान 2001 का सेंसेक्स बोल रहा है कि 27% आदिवासी और 27% जंगल। तो ये एक, हम इस बात को इसलिए रखना चाह रहे हैं कि जब पूरा दुनिया में आज ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का बात हो रहा है और जंगल का बात होता है तो कौन जंगल को बचा के रखा, ये झारखंड को हम अगर थोड़ा बढ़िया से समझ लेंगे तो यहाँ का आदिवासी एकमात्र ऐसा समुदाय है जो पूरा दुनिया के लिए सोचा है और जंगल को संवर्धन किया था, जिसका आप संख्या घटाएं और जंगल घटा, ये प्रमाणित एक तथ्य सामने है। ठीक उसी रूप में हम अगर देखेंगे झारखंड में, हम झारखंड के लोग जंगल और खेती दोनों पर निर्भर था यहाँ का आजीविका, ठीक उसी रूप से यहाँ का आजीविका पर एक हमला हुआ। हम फूड सिक्योरिटी का बात करेंगे, झारखंड में आज का डेट में 60 लाख मेट्रिक टन अनाज का जरूरत है प्रति वर्ष, और झारखंड का जो खेती योग्य जमीन है जिसमें नॉर्मल मानसून होने पर जितना अनाज उत्पादन होता है वो 25 लाख मेट्रिक टन हम लोग का क्षमता है, वो नॉर्मल। पिछले हम तो बोलेंगे झारखंड निर्माण के बाद से ही यहाँ पर सुखाड़ का दौर भी साथ साथ में चल रहा है, तो हम अपना लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो किसान नॉर्मल मानसून के दौरान उत्पादन करते हैं। तो एक बहुत बड़ा फूड डेफिसिएशन यहाँ चल रहा है, हम जो उत्पादन करते थे वो हम दूसरे राज्य के लिए, दूसरे राज्य पर निर्भर है हमारे अनाज के लिए। ऐसी परिस्थिति में फूड सप्लाई जो है पूरे देश में जन वितरण प्रणाली के तहत झारखंड को 12 लाख मेट्रिक टन अनाज उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास, हम 12 लाख मेट्रिक टन भी हमारे सरकार नहीं उठा पाती है, वो 6 लाख मेट्रिक टन तक ही उठाती है और लोगों में बांटते हैं। ये एक साजिश है, आज तक झारखंड सरकार ने इस दिशा पर कोई काम नहीं किया, ना एग्रीकल्चर पॉलिसी बना, ना ऐसा फूड सिक्योरिटी के लिए कोई कदम उठाए, गोडाउन्स नहीं बना, रेल टर्मिनल्स नहीं बना, कैसे करके अनाज यहाँ आएगा इसके लिए कभी सोचा नहीं, और झारखंड को धीरे धीरे फूड इनसिक्योरिटी और यहाँ के लोगों को जो बहुत सारा समस्या इसका एक मूल कारण है, साथ साथ में जंगल काटा, जंगल कटने के चलते यहाँ के लोगों का जो जंगल पर निर्भरता था वो भी बढ़ गया।
झारखंड जैसा बना उसके बाद से ही झारखंड में माओवादियों के नाम से जो हमला होने लगा वो भी बढ़ा। माओवादियों का एक जिला से दूसरा जिला तीसरा जिला करते करते संपूर्ण झारखंड में उनका, आज पुलिस के मुताबिक पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से पूरे झारखंड में माओवादियों का वर्चस्व है। और पुलिस पूरे एक दशक से ज्यादा 12 साल से बैठ के ये माओवादियों के पूरा जिला में कैसे फैलेगा उसका शायद इंतजार कर रहे हैं कि कैसे करके पूरा जिला में उनका विस्तार हो। और ये आज बहुत खुश हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं अब झारखंड में हर जिला में माओवादी पहुंच गए। ये पुलिस के अनुकूल पुलिस का रिकॉर्ड से ठीक। हम लोग इसको दूसरी तरफ से सोचते हैं कि देखिए जैसे झारखंड बना झारखंड सरकार ने जो भी आज तक स्टेप्स लिए हैं उनका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और माइनिंग पॉलिसी रहा और जिस तरह से यहाँ एमओयूज हुआ और ये एमओयूज अगर यहाँ धरातल में उतरेगा तो और ऐसी शहर का निर्माण होगा। देखते देखते जो 1990 तक में जो 250 शहर बना था और 100 शहर बनाने का परिकल्पना है कि जिंदल मित्तल ऐसी तमाम इंडस्ट्री होगा तो उनके नाम से एक एक शहर भी झारखंड में स्थापित हो जाए। और ये शहरीकरण होने से जो बाहरी आबादी का एक बड़े पैमाने पर हमारे राज्य में आना और यहाँ के लोगों का पलायन विस्थापित होना ये मिलाकर फिर आने वाला 10 साल या 20 साल के अंदर यहाँ के लोग यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों की स्थिति क्या होगा ये आप लोग के समक्ष है। जनगणना के हिसाब से अभी हाल ही में डिलिमिटेशन का एक साजिश चला था जिसमें एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस डिलिमिटेशन के माध्यम से यहाँ का जो खास करके जो एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ा गया था कि यहाँ जितना आदिवासियों का रिजर्व सीट था उसको घटा दिया जाएगा और उनको विधानसभा और लोकसभा में भी उनका उपस्थिति कम इसलिए होगा कि डिलिमिटेशन का जो रिकॉर्ड्स था उसके हिसाब से उन लोगों ने बताया कि बहुत सारा जगह में आदिवासियों की संख्या घट गया। लेकिन इस जगह पर लड़ाई जो चला पेशा कानून का जो लड़ाई चला और पांचवी अनुसूची के संदर्भ में जो लड़ाई चला उसके तहत यहाँ पंचायत व्यवस्था में पेशा के तहत चुनाव हुआ और यहाँ के कम से कम पेशा क्षेत्र में आदिवासियों को लिए वो सीट सब रिजर्वेशन हुआ। लेकिन ये हम कितने दिन तक इसको टिका के रख सकते ये हमारे लिए एक चुनौती है झारखंड समाज के लिए। इस कंफ्लिक्ट जोन में झारखंड में जिस तरह से पुलिस ब्रूटलिटी बढ़ा है हम दो चार उदाहरण रखेंगे। कुछ दिन पहले वैसी जगह पर हो रहा है जहां पर माइनिंग और इंडस्ट्री के लिए प्रपोज्ड एमओयूज है और वहां पर लोग जमीन अधिग्रहण का बात कर रहे हैं। नगरी तो अभी एक चल रहा आप लोग रोज पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ दिन पहले काठीकुंड का घटना था जहां पर दो लोगों को मार दिया था और उस समय सबसे बड़ा बात है कि उस समय सरकार में शिबू सोरेन जी थे जिन्होंने जमीन आंदोलन के लिए और इस तरह का जो शोषण के खिलाफ जो आंदोलन किया और अपना पहचान बनाए वो उस समय इस राज्य के मुखिया थे। काठीकुंड में गोलीकांड हुआ सैगत मरांडी और एक साथी का वहां हत्या कर दिया गया। इसके बाद वहां पर आंदोलन और तेज हुआ। कुछ दिन पहले आज से एक साल पहले एक डेढ़ साल पहले वहां पर एक घटना घटा माओवादी और पुलिस के बीच में झड़प हुआ एक पुलिसकर्मी वहां मारा गया था काठीकुंड। उसके बाद पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला के 40 लोगों को पकड़ा और एक महिला को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो लाल साड़ी पहनी हुई थी। ये बहुत मजेदार कहावत है पुलिस का कैसी कहानी बनाता है ये तो हम लोग के लिए रोज नया नया चीज देखने को मिल रहा है। वो जब मुन्नी दी से हम लोग बात किए और वहाँ चरण लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों ने बताया कि यहाँ के 45 लोगों पर अलग अलग 5-6 गांव के लोगों को उन लोग टारगेट किया और उसमें से 10 लोगों को जेल भेजा और बाकी लोगों पर सबके ऊपर 17 CL UAPS जैसी काला कानून लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया। जो कई चीजों का बात तो आप लोग के बाद में बात आएगा। अभी हाल में पाठक जी ने जो घटना के बारे में बताया भंडारिया ब्लास्ट में वहां जिस मुखिया को जेल में डाल दिया गया वो लोग आंदोलन कर रहे थे और उस सिर्फ मुखिया ने उनके साथ 4 लोगों को ले गया था। उन मुखिया और फिदा हुसैन ये दो जन अब जेल में है और उसके साथ तो दो साथी को इतना मारा। हम लोग इसके लिए यहाँ धरना प्रदर्शन और कोर्ट में जाने के बाद उनको 9 दिन बाद छोड़ा पुलिस और विभिन्न जगह पर लेकर उन लोगों को लेकर हम लोग जब यहाँ आंदोलन किए था पुलिस उसको छोड़ा।
यहाँ पर हम लोग डीजीपी और बाकी लोग से भी बातचीत करने के बाद, तो ऐसी घटना में पूरे झारखंड में माओवादियों के साथ जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है पुलिस का, ऐसी जगह पर माओवादी के साथ लड़ाई के बाद वो कहां चले जाते, माओवादी को नहीं खोज पाते, लेकिन वहां के आम लोगों पर एक बहुत बड़ा टॉर्चर हो रहा है। और उसमें जो अभी कल फादर भी बोल रहे थे, कई जगह पर बोल रहे हैं, हम लोग भी इसको देख रहे हैं कि 6000 निर्दोष आदिवासी विभिन्न जेल में अभी है जो अपना बेल भी नहीं करा पाएंगे, इतने मजबूर है। उनके लिए जो आप लोग नेटवर्क बनाने का सोच रहे हैं कि इस पर हम लोग को सबसे पहला काम करना होगा कि अगर झारखंड में एक लीगल नेटवर्क बनता है और वो सही दिशा पर काम करेगा तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए ये जो 6000 लोग जेल में है और इसी निर्दोष लोगों को हम आइडेंटिफाई करें और उसको हम कैसे करके राहत पहुंचाएं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये हमारा एक विषय है। और दूसरा एक और हम लोग चैलेंज के रूप से देख रहे हैं कि झारखंड में कुछ जैसे महताब जी ने बात रखा था कि यहाँ प्रोटेक्शन ह्यूमन डिफेंडर्स के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या हालत है। अभी हाल में हम लोग का एक साथी, हम लोग साथ में काम करते थे, नियामत अंसारी का हत्या माओवादी द्वारा किया गया, और माओवादी जिस आंदोलन के लिए भी है, और लेकिन नियामत अंसारी को हम पर्सनली जानते हैं, वो हमारे साथ काम किया है और उसके ऊपर तमाम जो आरोप है वो बेबुनियाद है। हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग करके वहां का गांव के लोगों से, ग्राम सभा से बात किए हैं, वहां का ग्राम सभा के लोग जो बात बोला है वो बात के अनुसार हम लोगों ने उसको बोले थे कि ये निर्दोष आदमी है, इसको मार दिया गया और माओवादी ने उसको मारा। लेकिन क्या इतना बड़ा वर्ग शत्रु है वो उसको मारना जरूरी था? उसको तो एक बार धमका देने से वो दोबारा ऐसा गलती नहीं करेगा। अगर माओवादी अपने पास इतना हथियार रखता है, अगर इस तरह का हत्या किया है तो ये सरासर गलत है, और वो अगर जिस दिशा पर आंदोलन को ले जाना चाहता है उसका वो आंदोलन नहीं हो सकता है। दूसरा हम देखेंगे उसी तरफ, जब सनबाग में पूरा खुलासा हुआ और माओवादियों की तरफ से ये खुलासा हुआ, चार दिन उसको छापा गया जिसमें सिस्टर बालसर जॉन का हत्या, उसमें माओवादियों ने उसको माना कि हम लोग इसमें है, हम लोग के द्वारा ये हत्या हुआ, हम लोग इसमें शामिल है, गांव वाले भी शामिल है, हम लोग भी इस हत्या में शामिल है, इसको माना। अगर सिस्टर बालसर जॉन बहुत बड़ा, सिस्टर बालसर जॉन हमारा दुश्मन है कि पैनम कंपनी हमारा दुश्मन है, ये तय करना हो, हम सिस्टर बालसर जॉन को मार के क्या हमारा आंदोलन को आगे बढ़ानी है, ना हमको पैनम कंपनी को बंद कराना हमारा मकसद होना चाहिए। ऐसा संदर्भ में हम लोगों को सोचना है। हम सरेंडर का बात में हम थोड़ा से गहराई से, ग्लाडसन जी यहाँ है वो बताएंगे, लेकिन हम भी जयराम रमेश जी का एक बात सामने आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ बताया कि सरेंडर में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं आएगा, ये पब्लिक सेक्टर के लिए यहाँ से मिनरल जाएगा। हमारा जो सरेंडर एक्शन प्लान है, जो रोड बनाना है और बाकी जो भी काम है, जितने 300 करोड़ का या 284 करोड़ का जो योजना है अभी उसको हम जो लागू कर रहे हैं वो यहाँ के लोगों के लिए है। और यहाँ एक प्रचार है कि माओवादी लोग प्रचार कर रहा है या दूसरा सिविल सोसाइटी के लोग प्रचार कर रहा है कि यहाँ पर वो माइनिंग के लिए ये रास्ता बना रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं कि झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत जो पर्यावरण का क्लियरेंस लिया जाता है किसी कंपनी या माइनिंग कंपनी को वहां पे लागू, मैंने खनन से पहले, वो एक प्रक्रिया है, और इस तहत का अभी पिछले एक साल से कम 5 ऐसा पब्लिक हियरिंग हुआ जिसमें वहां के लोग विरोध करके 4 को बैंड कर दिया, होने नहीं दिया, वहां काफी विरोध हुआ। नुआरुंडी क्षेत्र जो सरंडा का ही एक हिस्सा है, और अभी कल भी एक आज से 2 दिन पहले एक पब्लिक हियरिंग को वहां पर रद्द किया गया, और कुछ दिन पहले टाटा कंपनी 12 मार्च 2012 को एक पब्लिक हियरिंग किया, वो जानबूझ के उस समुदाय के बीच में नहीं किया और अपने कैंपस, अपना डीएवी स्कूल ग्राउंड में उसको ऑर्गेनाइज किया ताकि, और उनके जो लॉयल है उन लोगों को लेके वहां पर बैठाया गया और उस पब्लिक हियरिंग को मैनिपुलेट करके एक पब्लिक हियरिंग को किया गया। ये एक कानून का बात है कि पब्लिक हियरिंग का क्या नॉर्म्स है उसको हम लोगों को देखना होगा,
और इस नॉर्म्स का अगर उल्लंघन हो रहा है तो हम लोग उस पर कैसे पीआईएल करेंगे और हम लोग वहां के लोगों को कैसा राहत पहुंचा सकते हैं। ये पूरा जनहित का मामला है। इस पर जनहित करके यहाँ पर जो झारखंड में ट्रेंड बन गया है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मैनेज करके और पब्लिक हियरिंग को करा लेना उसके पक्ष में, कंपनियों के पक्ष में, इसके ऊपर हम लोगों को कैसा निगरानी किया जा सकता है, हम लोग को उस दिशा पर भी कुछ सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो झारखंड में आने वाला नेटवर्क होगा उसमें हमारा जो ये दो सुझाव था कि ऐसी दो चीज हो और यहाँ पर ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता और जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है उसके लिए प्रोटेक्शन हो, उसके लिए कुछ इनके सिक्योरिटी के लिए सोचा जाए, सरकार भी इसके लिए कुछ करे और बाकी जो लोग माओवादी या अलाइट माओइस्ट ग्रुप के द्वारा जो इनको थ्रेट है वो भी थोड़ा कम होना चाहिए इनके ऊपर, ताकि ये लोग जिस हिसाब से काम कर रहा, जो फॉरेस्ट राइट्स पे काम कर रहा है, तो जंगल क्षेत्र में जाकर उनको काम करना है, लैंड राइट्स पे काम कर रहा, माइनिंग राइट्स पे काम कर रहा, उन क्षेत्रों में जाकर काम कर रहा है, आप ऐसे लोगों को मार के आप क्या साबित करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये भी एक प्रश्न है उन लोगों के लिए जो हथियारबंद आंदोलन को अपना एकमात्र आंदोलन समझते हैं। तो अभी हम लोग का ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने वाले तमाम संगठनों का हम लोग ने एक मंच बनाया, अलायंस बनाया है, झारखंडिस अलायंस ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हम लोग का स्थापना हुआ और हम लोग कल उसके लिए पी चिदम्बरम का पुतला जलाए थे यहाँ पर कल, कि झारखंड में जिस तरह का ब्रूटिलिटी हो रहा है, और उस मंच के तहत उस मंच का भी समन्वयक का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और हम लोग उस मंच को और आगे लेकर इस आंदोलन को, यहाँ का जो पुलिस ब्रूटलिटी है उसके खिलाफ में और आंदोलन तेज करना है और उसको लेकर आगे काम करने का हम लोग का एक यह है। हम लोग चाहेंगे कि ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क जैसे एक संगठन यहाँ पर है और ये लोग भी हम लोग के साथ में हमारे इस पहल में मदद करें। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडियम से कि वो मीडिया पेज को ग्राम नवरनाथ है, ये है दस मिज आप फरवरी महीना में चर्चा हुई थी, आप फरवरी महीने में उसकी जानकारी मैं अपनी मैं कैसे डॉट बुक किया और कैसे उसको जानकारी दिया उसके बारे में जानकारी देना मीन्स वो मेरा छोटा भाई था आप इधर बढ़ जाइए इसमें लुकस मिंच के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि वो मेरा छोटा भाई था लेकिन जन्म से ही बहरा और गूंगा था, बोल नहीं सकता था, लेकिन काम में मैं जितना काम करता हूँ उतना मतलब उससे 10 मैंने 5-6 गुना ज्यादा मतलब परिश्रम करता था, मैंने खाने में भी ज्यादा खाता था और परिश्रम मैं जितना लंबा चौड़ा हूँ उतना ही लंबा चौड़ा वो भी था, घर का टोटल काम वही करता था, हम लोग तो सभी बाहर रहते हैं। घटना मैं ये जब भंडरिया में ये जब पुलिस की गाड़ी को उड़ा दी गई थी 21 जनवरी को, उसी के बाद से सुनेश राम का जो अपहरण हुआ था पुलिस की गतिविधि हुई थी उसी दिन के बाद में पुलिस पूरा क्षेत्र को मतलब सील की हुई थी और ऑपरेशन चला रही थी। और घटना मैं बताता हूँ कि 31 जनवरी को मेरा भाई लुकस जो गाय लेकर के निकला हुआ था, गाय बकरी बैल लेकर के जंगल की ओर माने कोयल नदी की ओर निकला हुआ था, और उसी दिन हमारे गांव में पुलिस गई थी, पूरा गांव छापामारी की, छापामारी करने के बाद में माओवादी वहां पर कुछ मिले ही नहीं, और उसी दिन गढ़वा तरफ से पुलिस पहुंची थी, सीआरपीएफ बोले चाहे तो कोबरा वाला बटालियन बोले, और कोयल नदी में ग्रामीणों के मुताबिक वही बोलते हैं कि कोयल नदी की ओर ग्रामीण 9:30 और 10 बजे के बीच में तो फायरिंग लोग सुने हैं, इतना पक्का लोग बोलते हैं,
और उन्हीं तरफ लुकस गाय चराने गया था और लगता है उसी को निशाना साध करके लोग गोली मार गए। और हम लोगों को आठवां दिन 31 तारीख के बाद में आठवां दिन हम लोग को लाश मिली। हम लोग पूरा पता कर रहे हैं कहीं पर लाश नहीं मिल रही है। अंत में 4 तारीख जब पुलिस वापस हो गई 4 तारीख को, तो 4 तारीख बगल के गांव करंदी बोलते हैं वो लोग मछली मारने गए, तो मछली मारने वालों ने ही लाश को पहले देखी और वो लोग तो पारे देख करके डर गए कि किसका लाश है, क्योंकि लाश खपनिया मतलब सिर के बल ऐसे मतलब लेटा हुआ था कोयल नदी में। तब वो लोग ही वापस हो गए और वो लोग बताया नहीं क्योंकि वो तो दूसरा गांव वाला था। लेकिन दूसरा दिन वो लोग 6 तारीख को खबर किया गांव में कि एक लाश पड़ी हुई है, हो ना हो कि वो लुकस हो सकता है। तब खबर होने के बाद में हम लोग भी 6 तारीख शाम को पहुंचे और चूंकि मैं रात हो गया था इसलिए उस दिन नहीं गया। और 7 तारीख को जब हम लोग लाश लेने गए कोयल नदी जब देखने गए तो लाश उठाने के पहले मैंने पूरा अवलोकन कर लिया कि लाश उसको पुलिस ने क्या कि करीब 150 फीट की दूर से हम लोग बोलते हैं कोयल नदी में जहां हम लोग ढाबी बोलते हैं वहां पर पुलिस पहुंची थी और वहां से उसको दौड़ा करके उसके बाद में हमको लगता है 150 की फीट की दूरी से वो लोग गोली मारा है। और गोली ऐसे मारा कि पीछे दहिना कान से होकर के बाएं कनपटी यहाँ पर निकल गई। और जहां से गोली वो लोग मारा है वो भी हम ग्रामीण बढ़िया से जानते हैं और लाश जहां पर पड़ी हुई थी वो भी जानते हैं और जहां पुलिस की ढेरे मतलब पैरों के निशान थे वो भी ग्रामीण बढ़िया से जानते हैं। इसलिए गांव वाले पक्का बोल रहे हैं कि इसको गोली मारी है पुलिस ने, सीआरपी वालों ने चाहे तो कोबरा वालों ने वो इन्हीं ने मारी है। और पुलिस ने क्या कि गोली मार करके लाश को वहीं छोड़ दी कोयल नदी में, सोचा कि ये आदमी बह जाएगा लेकिन लाश बहा नहीं, जहां पर था वहीं पर। और मजे की बात थी कि लुकस जो चरवाहा था वो तो उसकी टांगी वहीं पर लाश की जगह पड़ी हुई थी। जब 8 दिन के बाद हम लोग जब जा रहे हैं तो लाश वहीं पर पड़ी हुई है, टांगी भी वहीं पर पड़ी है। तो जब लाश उठाने के बाद में वो लोग पूरा देख लिए कि यहाँ पर पुलिस का मतलब जो गोली मारा है उसका चिन्ह है। और पुलिस क्या की कि जो कारतूस की खोखा होता है उसको भी उठा करके चल दी। और लौटते समय क्या कि वो लोग जो अपना टिफिन प्लास्टिक वगैरह सब वो लोग रखा था उसको वापसी के क्रम में वो लोग बांस की झाड़ी में टिफिन का जो प्लास्टिक वो लोग रोटी वगैरह सब पकड़ा था उसको टांग करके ये लोग वापस होते चला गया। और बगल के गांव वाले लोग भी बोलते हैं कि नहीं इधर पुलिस सीआरपी वाला लोग घुसा था वही लोग उनको गोली मारा है। अब जब हम लोग लाश उठाने लगे तो गांव वाले भी बोल रहे हैं कि हम लोग के साथ में पुलिस ने टॉर्चर किया है, हम लोग किसी प्रकार FIR मतलब पुलिस के पास पहुंच ही नहीं सकते हैं क्योंकि पुलिस ने ही गोली मारी है और पुलिस के पास हम कैसे FIR करने जाएं। तो गांव वाले बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग 8 दिन की लाश है इसलिए हम लोग यहीं पर दफना देते। तो मैंने बोला कि मेरा भाई है, हम इसको जिसे भी हो हम इसको कब्र तक पहुंचाएंगे। तो हम लोगों ने नाक बंद करके उसके बाद में उसको मैंने जो कोफिन है बांस का बना करके हम लोग उसको कब्र तक ले करके उसको दफनाए। उसके बाद में मैं वापस हो गया। वापस हो करके उसके बाद में तब हम लोग पत्रकार लोग हुए, कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता हुए लोग हमको साथ दिए कि हम आपके साथ हैं, आप मतलब आवाज उठा सकते हैं। तो मैं बोला कि हमारे साथ में तो कोई था भी नहीं कि मैं आवाज उठा सकता हूँ, जब आप बोल रहे हैं तो मैं आवाज उठाता हूँ बोल करके प्रेस वालों को मैं खबर किया। तो प्रेस वाले गए, प्रेस वाले वहां पर जा करके गांव में छानबीन की। छानबीन करने के बाद में तब फिर वापस हुए। उसके बाद में मैंने 12 तारीख को FIR किया। FIR में थोड़ी सी मुझसे चूक हुई कि मैंने अज्ञात तो नहीं लिखा लेकिन अपराधी मैंने लिखा था, तो अपराधी के नाम पर वो लिखा गया। तो पुलिस तो अपराधी अगर गोली मारी तो अपराधी ही हुआ, जो भी गोली मारे तो अपराधी हुआ। तो उसमें वो लोग अज्ञात बोलते हैं कि ने अज्ञात आदमी को माने अज्ञात आदमी के ऊपर में FIR किया गया है। उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम लातेहार में ना होकर के रांची रिम्स में हुआ। रिम्स में होने के बाद में प्रूफ हो गया कि ये तो माने पुलिस की बैरल से ही गोली लगी है, ये तो पक्का सिद्ध हो गया। उसके बाद ये घटना मामला उठ गया। उठने के बाद में आगे बढ़ती गई।
उसी के बाद 5 अप्रैल को मैं घर जा रहा था, उसी मामले को लेकर के ये शशिभूषण पाठक थे, उसे संपर्क होकर के मैं एक दो आदमी को लेने के लिए जा रहा था। उसी क्रम में मुझको लाभर पिकेट में वो लोग पकड़ लिया और परिचय पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है। मैं बोला कि मेरा नाम विलियम मिंज है, लुकस का भाई, लुकस का। शुरू तो वो बोला कि गांव क्या है, नवरनागू, तुम्हारा नाम क्या है, पिता का गांव, विलियम मिंज मैं बोला। उसके बाद में फिर बोल रहा है कि लुकस के क्या लगते हो, तो मैं तो अपना गांव और परिचय तो दे ही दिया, तो लुकस के क्या लगते हैं उसमें क्या परिचय पूछ रहे हैं, तो मैं बोला कि रिलेशन, तो वो लोग बोल रहा है कि रिलेशन लगता है। तो उसके बाद में वो लोग बोल रहा है कि कैमरा तुम्हारा है, उसको कैमरा छीन लिया। उसमें 26 तारीख जो मानवाधिकार की टीम जा रही थी, उस दिन एक सिपाही हमसे मैंने कड़क करके बोला था कि ये साले कहाँ जा रहे हो, मैंने जो आवाज दिया मुझको, मैंने आवाज दे करके मैं उसको बोला कि क्या मैं साला नजर आता हूँ, बोल करके मैं कैमरा में उसको कैच कर लिया, बोला कि मैं तुम्हारा साला नजर आता हूँ क्या, बोल करके कैमरा कैच कर लिया। और जब मैं 5 अप्रैल को जब जा रहा था तो उसी का गुस्सा उसको हो गया कि ये आदमी कैमरा पकड़ा हुआ है और ये हमारा फोटो खिंचा, बोल करके वो पकड़ा। उसके बाद मुझे ही उन्होंने 3 बार पटका था, और जिस आदमी का काम